आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को स्वयं सहायता समूह के 13 सूत्र के बारे में बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह में 13 सूत्र क्या होते हैं और इस 13 सूत्र से समूह की दीदियों को क्या लाभ मिलेगा। तो आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दीदी, आप सब जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह के सही संचालन के लिए पंच सूत्र का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक। लेकिन हमारे स्वयं सहायता समूह को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के जीवन में नया सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन 13 सूत्रों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। जब आप लोग अपने स्वयं सहायता समूह में इन 13 सूत्र का पालन अच्छे से करेंगे तो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी दीदियों को बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो चलिए दीदी, इन 13 सूत्रों के बारे में हम आप सभी को एक एक करके संपूर्ण जानकारी बताते हैं कि कैसे क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है नियमित साप्ताहिक बैठक। इस सूत्र का मतलब है समूह सदस्यों को नियमित साप्ताहिक बैठक करते रहना चाहिए अपने तय किए गए दिन एवं समय के अनुसार, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के लिए हृदय की धड़कन जरूरी होती है, ठीक उसी प्रकार से समूह के संचालन के लिए समूह की बैठक बहुत ही अनिवार्य होती है। इसीलिए दीदी समूह की नियमित साप्ताहिक बैठक करना बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद इसमें दूसरा सूत्र है नियमित साप्ताहिक बचत। नियमित साप्ताहिक बचत करना समूह संचालन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सबकी सहमति से समूह में बचत जमा करने हेतु जो भी राशि निर्धारित की गई है आप सभी दीदियों के द्वारा कि हम अपने समूह में प्रति सप्ताह 10 रुपए की बचत करेंगे या प्रति माह 50 रुपया या 100 रुपया जो भी आप निर्धारित किए हैं अपने समूह में, वह राशि सभी सदस्यों को नियमित साप्ताहिक बैठक में अवश्य जमा करना चाहिए एवं बचत की गई धन राशि को प्रति माह समूह के बैंक बचत खाते में जरूर जमा करें। 3 नंबर है नियमित आवश्यकता अनुसार लेन देन। इस सूत्र का मतलब है जो भी राशि आप अपने समूह में बचत की है तो उस राशि का प्रयोग आप लोग आपसी सहमति से अपने समूह में लेन देन जरूर करें। 4 नंबर है नियमित समय अनुसार मासिक ऋण वापसी। इस सूत्र के अंतर्गत हमें ध्यान रखना है कि हमें यदि हम स्वयं सहायता समूह से किसी सदस्य को ऋण देते हैं तो उसी समय ऋण वापसी नियोजन निर्धारित कर लेना चाहिए एवं निर्धारित किए गए समय पर समूह में ब्याज मूलधन की वापसी करना अनिवार्य है। 5 नंबर है नियमित साप्ताहिक दस्तावेजीकरण। इस सूत्र का मतलब है दीदी स्वयं सहायता समूह में जो भी गतिविधि हो रही है, जो भी क्रियाकलाप लेन देन हो रहा है, सब जानकारी रजिस्टर में लिखते रहना चाहिए और इसको पढ़ करके सभी सदस्यों को सुनाते रहना चाहिए। प्रति साप्ताहिक बैठक के दौरान इससे क्या होता है, समूह में पारदर्शिता बनी रहती है और समूह में लेन देन का हिसाब किताब अच्छा रहता है। इसीलिए दीदी आप सभी को नियमित अपने समूह में रजिस्टर का लेखा जोखा एवं रजिस्टर का रख रखाव करते रहना चाहिए। 6 नंबर है बेहतर स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण का नियमित पालन। हम सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा। समय पर टीकाकरण दवा दर्पण करवाना, हमें अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहिए और हमें अपने घर परिवार में पौष्टिक भोजन करें, अपने घर पर पोषण वाटिका लगाएं तथा ताजी हरी सब्जी का प्रयोग भोजन में कर सकें। इस सूत्र का मतलब यही है। 7 नंबर है समय अनुसार अनिवार्य शिक्षा का पालन। तो दीदी देखिए, इस सूत्र का मतलब है स्वयं सहायता समूह के दीदियों को कोशिश करना चाहिए कि परिवार एवं पड़ोस में कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रहे। हमें लड़का एवं लड़की दोनों के लिए समान शिक्षा पर जोर देना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये लड़की है इसको नहीं पढ़ाएंगे, ये लड़का है इसको ज्यादा पढ़ाएंगे, ठीक। तो स्वयं सहायता समूह की दीदियों का दायित्व तो बनता है कि वह सभी अपने स्वयं सहायता समूह की बैठक में शिक्षा पर चर्चा जरूर करें और इस पर अमल भी करें। 8 नंबर है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के साथ सक्रिय भागीदारी। समूह से जुड़ी सभी बहनों को ग्राम सभा में जरूर जाना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत भवन में या ग्राम संगठन में यदि कोई बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही
होती है तो समूह की महिलाओं को उसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। वह ऐसा स्थान है जहां पर दीदियां अपने अधिकारों के बारे में अपनी बात रख सकती हैं। और ठीक 9 नंबर है पात्रता तक पहुँच। जी हाँ दीदी, इस सूत्र का मतलब है कि हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि जो महिला जिस योजना के लिए पात्र है उसको पात्रता अनुसार लाभ मिलता रहे। 10 नंबर है समवाहिनी आजीविका। इस सूत्र का मतलब है स्वयं सहायता समूह से प्राप्त ऋण राशि का आजीविका गतिविधि में उपयोग करना ताकि उससे आय होती रहे। यानी समूह से पैसा लेकर के दीदियां अपना आजीविका गतिविधि, अपना स्वयं का स्वरोजगार जरूर स्थापित करें। 11 नंबर है नगद रहित लेन देन। हमारे समूह को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि स्वयं सहायता समूह में नगद लेन देन न करते हुए चेक, RTGS इत्यादि का उपयोग करें। 12 नंबर है पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। 13 नंबर है संस्कार संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण एवं संवर्धन। हम स्वयं सहायता समूह की दीदियों को अपनी परंपराओं, संस्कृति एवं हमारे संस्कार को भूलना नहीं चाहिए। तो दीदी ये है स्वयं सहायता समूह के 13 सूत्र। तो दीदी जब आप लोग अपने स्वयं सहायता समूह में इन 13 प्रकार के सूत्रों का पालन अच्छे से करेंगे तो आपका समूह अच्छे ढंग से चलेगा और आपके समूह को बहुत सारे लाभ मिलेंगे। और सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी तो उसमें आपके समूह को उन योजनाओं में प्रथम वरीयता दी जाएगी। आप सभी दीदियों को उसमें लाभ मिलेगा क्योंकि आपका समूह पंच सूत्र एवं 13 सूत्रों का पालन अच्छे से कर रहा है। तो दीदी आशा करते हैं कि आप सब दीदियां अपने स्वयं सहायता समूह में इन 13 सूत्रों का पालन अवश्य करेंगी। तो दीदी आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सभी को स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।